हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 गणित भारतीय वन का बिहार बोर्ड के लिए नियामक समिति का प्रश्नावली वन कहे का। तो आज हम आपको बताएंगे 11 का पहला और 11 का दूसरा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दूसरा में ए नंबर और बी नंबर भी है। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत ईजी तरीके से आपको सोल्यूशन करके बताएंगे। चलिए इसके पहले स्पीच ले लेते हैं, क्वेश्चन को बनाना है। वीडियो कौन तक देखिएगा, वीडियो पर चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जैसे मैं नया नया वीडियो डालू आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है वीडियो को देख करके आप कुछ सीख सकते हैं, आप क्लास 10 की तैयारी कर सकते हैं। चैनल पर 9th, 10th, 11th, 12th सबकी तैयारी कराई जाती है फ्री में। आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो हम आपको लास्ट में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देंगे, उस पर आप पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पहला नंबर क्वेश्चन 11 का बना करके आपको बताते हैं। 11 का पहला पड़ा है कि एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु हो -2, 5 और 2, -3 से संतुष्ट हो। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इसके लिए हम ले लेंगे कलम और कलम लेकर के इसको बनाते हैं, लिखेंगे हल, लिखेंगे यहां पर पहला नंबर का एक्स अक्ष पर, तो लिखेंगे एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो लिखेंगे एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक जो होता है एक्स जीरो होता है, ठीक है। इसीलिए हम लिखेंगे प्रश्न से, क्या करेंगे लिखेंगे प्रश्न से। तो चलिए प्रश्न से लिखते हैं। प्रश्न यहां पर क्या जाएगा, प्रश्न से एक्स जीरो और -2, 5 के बीच की दूरी बराबर, एक्स माइनस यहां पर घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे एक्स माइनस -2, ठीक है। ये एक मिनट, इसको इसमें छोटा कष्ट कर दिए, यहां पर बड़ा कष्ट, ठीक है। -0, -5 जानते हैं कि x1 - x2 प्लस में y1 - y2 होता है, तो दूरी हो गया। तब निकालेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो निकल जाएगा, इसको निकाल लेते पहले, एक्स माइनस हो जाएगा प्लस x+2 और ये 0 - 5 हो जाएगा सीधे 5। कितना हो जाएगा 5। इसका निकल गया। अब क्या करेंगे, फिर हम अगला निकालेंगे, अगला वाला मान, ठीक है, इसको हम निकाल लेंगे बाद में, ठीक है ना। तो फिर हम इसका कैलकुलेशन करना है ना, तो बाद में हम दोनों को बराबर करके निकालेंगे। फिर लिखेंगे पुनः एक्स जीरो और 2, -3 के बीच की दूरी यहां पर भी निकालेंगे तो निकाले इसे x-2, ठीक है। कहां से निकला तो यहां से इसको घटाएंगे और 0 से 3 को घटा देंगे, ठीक है। x-2 प्लस में 0 - - प्लस हो जाएगा सीधे, तो 0 - -3 इसका करके देखेंगे तो क्या होगा, यहां पर निकलेगा x-2 प्लस 0 - 3 सीधे 3। हो गया, इतना सारा हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे के बराबर करेंगे। तो इसको समीकरण एक कर लीजिए, 2 कर लीजिए आप मानने के लिए, और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। इसको समीकरण 1 और 2 लिखिए, समीकरण 1 और 2 से दोनों को एक दूसरे के बराबर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारा, रूट में है तो दोनों को रूट में करेंगे, रूट हटिए जाएगा, x प्लस 2 प्लस में
पांच का स्क्वायर, ठीक है। और एक इधर बचेगा, एक रूट वाला इधर है, एक्स माइनस टू का स्क्वायर, इधर बचेगा तीन का स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ रूट है तो आप वर्ग भी कर सकते हैं या फिर काट भी सकते हैं रूट से रूट, ठीक है। आपको लिखना है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर तो भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि दोनों तरफ रूट है तो रूट से रूट कर जाएगा डायरेक्ट। यहां पर बचेगा हमारा एक्स प्लस टू का स्क्वायर और पांच का स्क्वायर, इधर बचेगा, इधर बचेगा एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस में तीन का स्क्वायर। अब देखिए इसमें x प्लस टू का स्क्वायर में यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस में चार एक्स और प्लस में चार, प्लस में पांच का स्क्वायर कितना हो जाएगा पच्चीस। इधर देखिए x माइनस टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में चार एक्स प्लस में चार और प्लस में नौ, ठीक है, इतना हो गया। यहां पर अब देखिए हम बराबर के उस बगल बराबर किस बगल काटेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, यहां बचेगा चार एक्स है तो चार एक्स, ठीक है, यहां पर कितना बचेगा चार एक्स प्लस पच्चीस चार उनतीस, और इधर कितना बचेगा माइनस चार एक्स प्लस नौ चार तेरह। अभी चार एक्स को इधर खींचिए तो चार एक्स माइनस चार एक्स आएगा तो प्लस चार एक्स बराबर तेरह, उनतीस उधर जाएगा तो माइनस उनतीस, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा चार एक्स चार एक्स आठ एक्स, नौ में से तीन गया छह होगा, दो में से गया था एक सोलह, एक्स बराबर क्या हो जाएगा सोलह बटे आठ कट करके आएगा दो, यहां पर याद कीजिए, इसीलिए एक्स बराबर कितना आ गया दो, कितना आ गया दो, लेकिन माइनस में से घटा तो माइनस सोलह होगा, यहां पर भी माइनस होगा, यहां पर भी माइनस होगा। तो अभी हमें क्या करना था कि x अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो इसीलिए लिखेंगे अतः निर्देशांक बराबर, निर्देशांक हमको निकालना था तो x का मान निकाल दिए, निर्देशांक बराबर हो जाएगा माइनस टू जीरो, यही हमारा आंसर हुआ। का दूसरा जैसे कि y अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित बिंदु से समदुरुष्ट हो, तो सबसे पहले लिखेंगे हल और y अक्ष का उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, तो y अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक क्या होता है वो आपको हम बता दें, लिखेंगे यहां पर y अक्ष पर, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का इसी बिंदु का निर्देशांक बराबर होगा जीरो और वाई। तो लिखेंगे प्रश्न से जीरो कॉमा वाई और माइनस पांच कॉमा माइनस टू। अब ये कहां से लाए थे, ये ना है यहां पर देख रहे हैं, एक बार इसको लेंगे जीरो और वाई के साथ, एक बार जीरो वाई के साथ इसको लेंगे, अब दोनों को बराबर करेंगे अपने मान हमारा वाई के निकल जाएगा, तो माइनस पांच दो के बीच की कहना हमें ग्यारह का पहला बनाया उसी बनेगा बीच की दूरी बराबर। तो क्या करेंगे एक्स वन माइनस एक्स टू वाई वन माइनस वाई टू, तो जीरो में से माइनस पांच को घटाएंगे वाई में से माइनस टू को घटाएंगे, तो जीरो माइनस माइनस पांच का होल स्क्वायर प्लस प्लस हो जाएगा वाई माइनस माइनस दू का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन करेंगे आगे बढ़ाएंगे तो कितना होगा जीरो माइनस जीरो माइनस पांच से करेंगे तो सीधे पांच हो जाएगा प्लस पांच का स्क्वायर, इधर करेंगे तो वाई प्लस दू का स्क्वायर, इतना पर छोड़ देंगे। फिर लिखेंगे जीरो और वाई से तीन दू के बीच की दूरी, यहां पर लिखे लिखे था पुनः जीरो वाई और तीन दू के बीच की
दूरी। देखिए इसको समीकरण एक मान लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है, समीकरण एक मान के रखिए। इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसी तरह से इसको भी करेंगे तो हो जाएगा जीरो माइनस तीन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस दू का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, जीरो माइनस तीन का स्क्वायर करेंगे तो सीधे हो जाएगा माइनस तीन प्लस हो जाएगा, सीधे तीन का स्क्वायर प्लस में वाई माइनस दू का स्क्वायर, समीकरण दू ले लिया। अब क्या करेंगे समीकरण एक और दू से, तो समीकरण एक और दू से, समीकरण एक और दू से करेंगे तो इसका निकाल लेंगे तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, तो तीन के स्क्वायर आई वाई माइनस टू, तो ये क्या हो जाएगा पांच के स्क्वायर प्लस में, तो पांच के स्क्वायर प्लस में हो जाएगा हमारा वाई प्लस टू के स्क्वायर, तो पांच के स्क्वायर प्लस में वाई प्लस टू के स्क्वायर, पांच के स्क्वायर प्लस में वाई प्लस टू का स्क्वायर, क्योंकि रूट से रूट हम पहले काट दिया है दोनों रूट में आता, और ये हो जाएगा तीन का स्क्वायर प्लस में वाई माइनस टू का स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ रूट था तो रूट से रूट हम पहले हटा दिए क्योंकि रूट से रूट कट जाएगा। पांच का स्क्वायर कितना आएगा, पांच का स्क्वायर आएगा पच्चीस प्लस वाई माइनस टू का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में चार वाई प्लस में चार बराबर में इधर बचेगा तीन का स्क्वायर हो जाएगा नौ प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में दो दून यहाँ पर माइनस होगा सॉरी माइनस चार वाई प्लस में चार। तो देखिए दोनों तरफ जो मान है उसको काट दीजिए तो वाई स्क्वायर दोनों तरफ तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, यहाँ पर बचा चार वाई प्लस में उनतीस और इधर बचा माइनस चार वाई प्लस में तेरह। माइनस चार वाई की इधर खींचेंगे तो क्या हो जाएगा चार वाई प्लस में चार वाई बराबर में तेरह माइनस में उनतीस, कितना हो जाएगा चार वाई आठ वाई बराबर में नौ में से तीन गया छह दो में से गया एक माइनस सोलह, वाई का मान कितना आएगा आठ का आठ आठ दो नौ सोलह यानी माइनस दो, ठीक है, तो इसका क्या हो गया निर्देशांक, अतः वाई का माना गया अतः निर्देशांक, अतः निर्देशांक बराबर जीरो कॉमा माइनस दू, तो ये नंबर बन गया। इसमें देखिए इसमें दू को क्वेश्चन था, ए नंबर था, ए नंबर बन गया, बी नंबर को भी उसी तरह से सेम टू सेम बनाना है। चलिए हम आपको बना देते हैं, आपको आपको प्रॉब्लम होता होगा ना इसलिए हम बना देते हैं, तो हमको ये इसमें भी वही रहेगा, हमको डायरेक्ट बनाना तो ये उसमें दोनों में रहेगा जीरो वाई है, बस हम यहां से इसको चेंज करेंगे, यहां से हमारा ए नंबर शुरू हुआ है तो इसमें हम भी चेंज करेंगे खाली यहीं से। चलिए हम इसको बनाते हैं, तो लिखेंगे बी नंबर बनाएंगे तो लिखेंगे प्रश्न से क्या लिखेंगे जीरो वाई और छ पांच की बीच की सौ पांच के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा जीरो माइनस सिक्स के स्क्वायर प्लस वाई माइनस पांच के स्क्वायर हो गया। तो इसको हम अगला कैलकुलेशन कर दें क्या हो जाएगा जीरो माइनस सिक्स सीधे हो जाएगा सिक्स के स्क्वायर और वाई माइनस पांच हो जाएगा वाई माइनस पांच के स्क्वायर। इसको हम समीकरण एक मान लेंगे, ठीक है, फिर चलेंगे पुनः जीरो वाई और माइनस चार तीन के बीच की दूरी बराबर, इसमें भी उसी करेंगे तो जीरो माइनस चार हो जाएगा तो जीरो माइनस चार सीधे हो जाएगा चार के स्क्वायर, तो हम सीधे लिख देते हैं चार के स्क्वायर प्लस वाई माइनस तीन के स्क्वायर, ये समीकरण दो हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से तो दोनों को एक दूसरे के बराबर करेंगे, इसमें क्या है छह प्लस
रूट अंडर छह के स्क्वायर, तो रूट से रूट हम अगर ये काट देंगे छह स्क्वायर प्लस में वाई माइनस पांच के स्क्वायर, तो छह के स्क्वायर प्लस में वाई माइनस पांच के स्क्वायर इधर करेंगे सीधे रूट कर जाएगा, तो चार के स्क्वायर प्लस वाई माइनस तीन का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहां पर देखिए, तो छ के स्क्वायर हो जाएगा छत्तीस प्लस वाई माइनस पांच के स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर, दो पंचे दस वाई प्लस में पच्चीस बराबर चार के स्क्वायर हो जाएगा सोलह प्लस में वाई स्क्वायर, तीन दूना छ हो जाएगा माइनस में छ वाई प्लस में नौ। देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर दोनों तरफ से कट जाएगा, इधर बचेगा माइनस दस वाई प्लस पच्चीस में छत्तीस जोड़ेंगे तो पांच छ ग्यारह और दो और तीन पांच एक छ इकसठ, और इधर बचेगा माइनस छ वाई आ प्लस में सोलह नौ पच्चीस। ठीक है ये हो गया, ये वाला जो स्टेप है ये एक साथ है, ठीक है ये वाला स्टेप ऊपर का स्टेप है, यहाँ का स्टेप है, ठीक है और यहाँ का स्टेप यहां से हम यहां तक गया। ठीक है तो हम इसे सीधा करके लिख दे यहां पर, तो माइनस दस वाई और माइनस छ वाई इधर खींचेंगे तो प्लस छ वाई बराबर पच्चीस है और इकसठ उठ जाएगा तो माइनस इकसठ हो जाएगा। ठीक है कितना हो जाएगा माइनस में इकसठ हो जाएगा, यहां तक तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम यहां से रुक जाइए एक मिनट इसको हम पीछे कर लेते हैं, तो हमको यहां पर बैक स्पेस करके यहां से पीछे करना है। चलिए कर लिए तो इस थोड़ा मिटा गया ना, तो इसको हम फिर से लिख देते हैं, घबराइए नहीं फिर से हम इसे लिख देते हैं। तो यहां पर हम कलम ले लेते हैं फिर से, थोड़ा स्पेस कम पड़ गया था ना। चलिए तो हम इस स्टेप को यहां से काटते हैं, यहां से फिर से हम लिख देते हैं, घबराइए नहीं थोड़ा ड्रॉ कलर चेंज हो गया नहीं, कलर ये रहना चाहिए। तो यहां तक आपको समझ में आ रहा माइनस दस वाई माइनस छह वाई, तो क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे या माइनस दस वाई प्लस छ वाई बराबर पच्चीस माइनस इकसठ। ये स्टेप आपको नहीं समझ में आ रहा था नीचे चल गया था इसलिए फिर से लिख दिए, माइनस दस वाई में से छ जाएगा तो माइनस चार वाई बराबर ग्यारह में से पांच गया छह और पांच में से दो गया तो तीन, माइनस में छत्तीस हुआ माइनस से माइनस कर जाएगा चार का चार चार नंबर छत्तीस होगा, इसका मतलब y बराबर कितना आया नौ, नौ आया तो लिखेंगे अत निर्देशांक, अत निर्देशांक बराबर जीरो कॉमा नौ, जीरो कॉमा नौ यही उत्तर हुआ। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे क्योंकि इस तरह की वीडियो चैनल पर रेगुलर अपलोड किए जाते हैं।